नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। और हर रोजाना की तरह आज एक बार फिर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जहां पर दो जिलों के संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपने अपने जिले की बड़ी खबर से लेकर हर वो छोटी जानकारी देंगे जो हम सबके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे उनके जिलों की जानकारी लेंगे, क्योंकि माहौल भी अब चुनावी है, चुनाव नज़दीक है, तो किस तरह का जिले में माहौल बना हुआ है, चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, जनता के मन में इस बार क्या है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ऐसे में साथ ही बात करेंगे कि विकास कार्य कितने हुए हैं, क्योंकि बहुत वादे 2017 में बीजेपी ने किए थे जब चुनाव जीतने के लिए, और लेकिन वो सभी वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही कोरोना जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, 1 लाख से ज्यादा आज मामले सामने आए हैं, तो उसको लेकर कितना ज्यादा जिला प्रशासन अलर्ट है, ये भी कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे गाजियाबाद और प्रयागराज की, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रयागराज से मोहम्मद कमर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो दोनों ही अपने अपने जिले के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरह से कितना विकास उनके क्षेत्र में हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं उन दोनों ही जिलों की। गाजियाबाद से जितेंद्र गौतम जुड़ चुके हैं हमारे साथ और प्रयागराज से मोहम्मद कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कमर, सबसे पहले आप बताइए आज प्रयागराज में क्या बड़ी हलचल है, क्या बड़ी खबर है? मोहम्मद कमर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गाजियाबाद से जितेंद्र भी बने हुए हैं। जितेंद्र, आप बताइए आज गाजियाबाद में क्या बड़ी खबर है और क्या हलचल है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में इस वक्त जो हलचल है वो कोरोना वायरस को लेकर है, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली में कल से वीकेंड कर्फ्यू शुरू होने वाला है। ऐसे में लोगों को ये चिंता सता रही है, जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, जिनकी दिल्ली में जॉब है या अदर जिस काम से भी जाते हैं, तो वो कल किस तरह से जा पाएंगे। एक तरफ चुनावी माहौल है, दूसरी तरफ कोरोना, दोनों ही काफी दिलचस्प बने हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, ये तमाम चर्चाएं जो है आम लोगों में देखने को मिल जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो अब एकदम धीरे धीरे उठने लगे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अब नौकरियां दोबारा लगी है, और दूसरी ओर चुनाव आ रहा है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो धीरे धीरे मार्केट से भी लोग गायब होते जा रहे हैं। तो ये तमाम काफी दिलचस्प इस बार जो है जो समीकरण बनने वाला है चुनाव को लेकर, वो काफी दिलचस्प रहेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप कोरोना की यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ गाजियाबाद है, तो दिल्ली में बहुत ज्यादा मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, हर रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद पर इसका कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली में तो तमाम पाबंदियां लॉकडाउन जैसी लगा दी गई है, गाजियाबाद में उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा, चाहे वो वीकेंड लॉकडाउन हो, तो उसका असर गाजियाबाद पर निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर दूर है और ज्यादातर मोस्टली लोग दिल्ली जॉब करते हैं, तो उनका आना जाना होता है। इसके अलावा जो दिल्ली से नोएडा के लिए आते हैं या गाजियाबाद के लिए, तो उनका भी आना जाना होता है, लेकिन जब लॉकडाउन लगेगा तो ये सारी चीजें बंद रहेगी, तो उन पर भी काफी असर पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए गाजियाबाद में जो सामूहिक जो सार्वजनिक पैलेस हैं, उसको लेकर भी काफी चीजों को लेकर जो है सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, उसमें जिस तरह से अगर कोई जो शमशान घाट के लिए अगर बात की जाए या फिर बात की जाए मैरिज होम के लिए बात की जाए, तो उन तमाम में जो एक संख्या है उसको लिमिटेड कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, और गाजियाबाद के अगर अस्पतालों की बात की जाए, सरकारी अस्पताल की कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह आप डॉक्टर्स ही कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत ज़्यादा तैयार रहना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को और अलर्ट रहना चाहिए। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएँ हैं?
जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए, वहाँ अगर कोरोना से कोई ज्यादा संक्रमित होता है या ज्यादा सीरियस हालत में पहुंच जाता है तो उसको गाजियाबाद ही रेफर किया जाएगा। ये तमाम चीजें बनाई गई हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में 296 वेंटिलेटर इस बार तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 11 जो है वो ऑक्सीजन प्लांट को तैयार किया गया है। प्राइवेट अस्पतालों के ऑक्सीजन प्लांट इनसे अलग हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में जो टेस्टिंग की सुविधा है उसको बढ़ा दिया गया है। 5,000 पर डे का जो है उसका लक्ष्य रखा गया है। हालांकि 3,000 से 4,000 के बीच में टेस्टिंग अभी लगातार हो रही है, लेकिन लक्ष्य जो है 5,000 का रखा जा रहा है। इसके अलावा अगर बेड की बात की जाए तो लगभग 6,000 से 7,000 बेड जो है सरकारी अस्पतालों में अलग अलग जगह जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अलग अलग जगह जो है उनको बढ़ाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर देखिए कोरोना और उसकी तैयारियों को लेकर तो बात हो गई, अगर चुनावों को लेकर बात की जाए तो चुनावों को लेकर जनता का क्या मूड है? क्योंकि देखिए बहुत सारे मुद्दे इस बार चुनाव में हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर कोरोना में जिस तरह से यूपी में अव्यवस्थाएं नजर आई थी सेकेंड वेव के दौरान, उस तरह का मुद्दा हो तो जनता में कहीं ना कहीं मिले जुले हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग सहमत हैं कि ठीक है बीजेपी ने जो काम किया वो सही किया। अगर गाजियाबाद की जनता की बात की जाए तो वहां की जनता का क्या मूड है? जी बिल्कुल, देखिए जब से कल योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों को 50% जो बिजली का बिल है उसमें माफी दी जाएगी, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक खुशी जाहिर हुई है। क्योंकि एक तरह से जो दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद है वो महंगाई वाला शहर है, और कहीं ना कहीं जब बिजली में इस तरह से राहत मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनको भी आसानी होगी। इसके अलावा आज ऊर्जा मंत्री ने भी कहा है कि जो शहरीकरण के जो बिजली का रेट 7 से 8 रुपए हुआ करता था उसको 6 रुपए किया जाना है। तो तमाम चीजें हैं, इससे कहीं ना कहीं जनता में एक खुशी जाहिर हुई है कि फिलहाल चुनाव को ही देखकर ही सही, लेकिन कुछ दिन तक जो है उनको सस्ती बिजली मिलेगी। और वहीं दूसरी ओर जिस तरह से अखिलेश यादव और केजरीवाल और ये तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार जो महंगाई को लेकर जो बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में कसमकस तो है कि अगर समाजवादी पार्टी आते हो तो क्या हमको 200 से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, क्या इन चीजों में होगा, क्या इस तरह जो भर्तियां जो आजकल बंद हैं क्या वो भर्तियां खुल जाएंगी। ये तमाम चीजें हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जब चुनाव आयोग जो तारीखें घोषित करेगा उसके बाद क्या रिजल्ट रहने वाला है। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, और अगर विकास की बात की जाए तो गाजियाबाद में कितना विकास हुआ है? क्योंकि बहुत समय से हम देखते हैं कि गाजियाबाद जो है वो जाम की समस्या से बहुत जूझता है, चाहे वो राजनगर एक्सटेंशन वाला चौराहा हो या फिर घंटाघर वाली जगह हो, तमाम वहां पर हम देखते हैं कि जाम जैसी स्थिति वहां पर बनी रहती है। तो अब उससे कितना निजात जाम से मिल पाया है या अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए चौराहों पर जाम ना लगे इसके लिए अलग अलग रणनीतियां बनाई गई हैं। खास तौर पर सड़कों पर यू टर्न का निर्माण किया गया है। अगर राजनगर एक्सटेंशन के चौराहे की बात की जाए तो वो पहले चौराहा खुला हुआ होता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है कि जो भी बंदा अगर उसको पास जाना है, क्रॉस करना है, तो उसको यू टर्न लेना कंपलसरी है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके चलते जाम को थोड़ा डाइवर्ट किया गया। अगर घंटाघर की बात की जाए तो वहां के व्यापारी आज भी नाराज रहते हैं कि कट को बंद कर दिया गया है, काफी लंबा यू टर्न घूम के आना होता है, जिसकी वजह से ग्राहक भी कई बार दुकानों पर नहीं पहुंचते हैं। तो उसके लिए व्यापारियों ने भी लगातार जो है वहां पर प्रदर्शन किया है, बार बार जो लेटर है वो एसपी ट्रैफिक को भेजे हैं कि हमारा जो है ये आप जो ये टर्न आपने बंद किया, ये कट आपने बंद किया, इनको खोल दिया जाए। इसके अलावा अगर मोहननगर की बात की जाए तो वहां पर भी यू टर्न की जो सुविधा है उसको दिया गया है। लेकिन अगर गाजियाबाद के नए बस अड्डे की बात की जाए, वहां पर लगातार रैपिड मेट्रो का काम चल रहा है, वहां जाम की समस्या आज भी यू ही बनी हुई है। अगर कोई भी एक गाड़ी वहां से जाती है उस 500 मीटर के क्रॉस करने के लिए लगभग उसको 15 से 20 मिनट देने पड़ जाते हैं। जी जी ठीक है जितेंद्र, आपका रुख करूंगा, बने रहिए। मोहम्मद कमर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। मोहम्मद आप बताइए कि प्रयागराज में आज क्या बड़ी हलचल है, क्या खबर है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रयागराज में भी चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और तमाम पार्टियों के नेता लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और अपने अपने मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं। तमाम पार्टियों के नेता पर डे क्षेत्र में निकल रहे हैं और आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की गाइडलाइन आई है उसको दरकिनार करते हुए बराबर रैलियां हो रही हैं, बराबर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जी और हेलो जी जी बोलिए मोहम्मद कमर, आपकी आवाज आ रही है।
और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब हम लोग निकलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तब वहां पे हमें मालूम चलता है कि पिछले 5 सालों में वहां के जो जनप्रतिनिधि चुने गए वो किस तरह से काम किए, वहां पे लोगों से मालूम चलता है हमें कि वहां पे कितनी समस्याओं को लोग फेस कर रहे हैं और किस तरह की समस्याओं को हैंडल कर रहे हैं। 5 साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण इलाकों में अब भी मौजूद हैं, जो अभी तक नहीं हुई हैं, पूरी नहीं कर पाए वो लोग। और जब चुनाव आते हैं तो तमाम पार्टियों के नेता अपने समस्याएं बता रहे हैं। आप यहाँ समस्याएं बता रहे हैं कि लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो क्या क्या वो समस्याएं हैं बताइए जरा थोड़ा सा। मैम मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज में मूलभूत समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है, जैसे शिक्षा की समस्या, शिक्षा व्यवस्था भी कोरोना काल से ही बहुत ही खराब चल रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था में भी लूट मची हुई है। सरकारी हॉस्पिटल में सही से लोगों का इलाज नहीं हो पाता, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं वहां पे लूट मची रहती है। और अगर बात की जाए बिजली व्यवस्था की, बिजली व्यवस्था भी ग्रामीण इलाकों में लोग इतनी ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है कि लोग उससे भी परेशान हैं। तो इस तरह की मूलभूत तमाम तरह की जो समस्याएं हैं मैम लगातार बनी हुई हैं। और जब हम लोग गांव में जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर निकलते हैं तो हम लोगों को मालूम चलता है कि लोगों को किस तरह से किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है। जी, यानी कि जितनी भी अभी आपने बातें बताई उससे तो साफ तौर पर ये लग रहा है कि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर की बात की जा रही है, तो स्वास्थ्य विभाग की भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी कोरोना की दूसरी लहर हमारे यहाँ आई थी, उसके बाद बड़े बड़े सरकार दावे कर रही थी, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो वहाँ पे फेल नजर आई। उसी तरह से अभी से कोरोना की तीसरी लहर के लिए अल्टीमेटम दिया गया, बट प्रशासन, शासन या स्वास्थ्य विभाग तरफ से अभी तक यहाँ पे हमको किसी तरह की व्यवस्था नजर नहीं आ रही कि तीसरी लहर से कैसे लड़ा जाएगा, कैसे बचा जाएगा। जी। ये अलग। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10-15 दिन से सीटेट का एग्जाम चल रहा है, और सीटेट के एग्जाम में भी देखें तो जो भी परीक्षार्थी जा रहे हैं कैंपस में, तो ठीक है कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाता है, बट कैंपस के बाहर जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही, जिस तरह से स्टूडेंट बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, उस तरह से स्थिति बहुत ही भयावह आने वाले समय में नजर आ रही है। जी ठीक है मोहम्मद कमर, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र देखिए, आपसे गाजियाबाद के बारे में मैं जानकारी ले रही थी, चुनाव को लेकर बात हो गई, विकास को लेकर बात हो गई, अगर आपराधिक घटनाओं को लेकर बात की जाए तो अपराध का ग्राफ गाजियाबाद में क्या कहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं ऐसे सामने आती है अपराध को लेकर, चाहे वो महिलाओं से जुड़ी हुई हो या फिर लूट डकैती से जुड़ी हुई हो, तो आपराधिक घटनाओं का ग्राफ कहां पर आप देखते हैं गाजियाबाद में? जी बिल्कुल, देखिए अगर आपराधिक घटनाओं की बात की जाए तो गाजियाबाद का इंद्रपुरम जो इलाका है, गाजियाबाद इंद्रपुरम थाना जो है, आजकल वो आपराधिक गतिविधियों के लिए काफी मशहूर सा होता जा रहा है। वहां आमतौर पर बड़ी आसानी से कैन स्नेचिंग हो जाती है, बड़ी आसानी से जो है, जो सबसे ज्यादा आजकल चल रहे ऑनलाइन तरीके से लोगों के साथ जो ठगी की जाती है वो बड़ी आसानी से इंद्रपुरम जैसे इलाकों में होती है, उसके मुकदमे बहुत साइबर सेल के आसपास पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर बड़े क्राइम की बात की जाए तो लोनी एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि वहां पर जिस तरह से हत्याओं की जो बात की जाए वो लगातार मामले सामने आते रहते हैं। अगर पिछले आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी थाने के अंदर अगर जो क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अगर हत्याएं हुई हैं तो वो लोनी सबसे ऊपर रहा है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि लोनी और खास तौर पर गाजियाबाद का जो देहात क्षेत्र है उसको लेकर जो SP इरज राजा है वो काफी अच्छी तरीके से जो है उसको कॉम्बिंग कर रहे हैं। लगातार जहां भी किसी भी तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो तुरंत पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर कल की ही बात की जाए तो कल ही एक लूट का खुलासा किया है जिसमें लगभग 35 लाख रुपए को जो है उन्होंने हिरासत में लिया है, वो भी वो बड़ी फिल्मी स्टाइल से लूट को अंजाम दिया गया था, और गाजियाबाद पुलिस ने भी बड़ी फिल्मी स्टाइल से उनको पकड़ लिया और जेल के पीछे भेज दिया। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। अगर गाजियाबाद के कवि नगर की बात की जाए या गाजियाबाद के नंदग्राम थाने की बात की जाए तो ये थोड़े से ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पहले तो ज्यादा वारदात थी, लेकिन अब कुछ दिनों से ये वारदात जो थमी है। इसकी दो वजह हो सकती है कि वो मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हो, क्योंकि चुनावी माहौल है तो ज्यादातर पुलिस की जो ड्यूटी है वो चुनावी माहौल की वजह से लगी होती है, तो ये एक वजह भी साफ हो सकती है। जी
जी बिल्कुल जितेंद्र, और अगर ग्रामीण इलाकों में विकास और स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए गाजियाबाद की, तो वो किस तरह से हैं, वो है भी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो पहले यही है। देखिए गाजियाबाद के अगर स्वास्थ्य की बात की जाए खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे स्वास्थ्य केंद्र आपको मिल जाएंगे जहाँ पर डॉक्टर कभी ही पहुँचते होंगे, ज्यादातर उनको वहाँ पहुँचने का कोई साधन मुहैया नहीं होता है या फिर वो उन पर ताला लगा रहता है। वहाँ के लोगों का खासतौर पर ग्रामीण लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक नर्स ही आती है, लेकिन हमको जो है बीमारियाँ अगर सारी चीजों की बात की जाए तो एक डॉक्टर भी होना चाहिए, एक उनके साथ एक हेल्पर भी होना चाहिए, मिनिमम 3 से 4 का स्टाफ होना चाहिए। लेकिन पता पड़ता है कि एक केंद्र पर सिर्फ एक ही नर्स होती है, वो भी ANM या GNM होती है, तो लोगों को वहाँ परेशानियां होती हैं। अगर इसके अलावा बात की जाए गाजियाबाद के ग्रामीण इलाकों के विकास की, तो उसके लिए कहा जा सकता है कि गाजियाबाद शहर की जो मलिन बस्ती है उसके मुकाबले गाजियाबाद के जो गांव हैं वो काफी बेहतर हैं, वहाँ की सड़कें काफी अच्छी बनी हुई हैं। लेकिन अब गाजियाबाद अगर शहर की बात की जाए तो वहाँ की सड़कें आपको जो है गाँव के मुकाबले काफी बेकार मिलेंगी। जी जी ठीक है जितेंद्र। मोहम्मद कमर, आप बताइए, जिस तरह से आप विकास की बात कर रहे थे, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे थे, तो प्रयागराज की जनता के मन में क्या है, मूड क्या है उनका, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि विकास नहीं हुआ है और कुछ भी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है, तो उसके बाद अब चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर जनता के मन में क्या है? मोहम्मद कमर, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी जी आवाज आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए प्रयागराज हमारे देश का राजनीति में एक अहम रोल रहा है, प्रयागराज का हमारे देश में हमेशा से एक अहम रोल रहा है, क्योंकि प्रयागराज से बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ निकले हैं, यहीं से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाता रहा है, और बात करें अगर तो लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे प्रधानमंत्री इलाहाबाद की धरती से निकले हैं जी। तो ऐसे में जब चुनाव आता है तो प्रयागराज एक मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर आता है, और अगर बात करें तो प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं जहां पे लगभग 45 से 50 लाख मतदाता हैं जो कि 12 विधानसभा में लोगों का चुनाव करते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि हम लोग जब गांव में निकलते हैं तो वहां पे हमेशा से कुछ न कुछ समस्याएं, ठीक है विकास तो होता है लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हो पाता जिस हिसाब से जनता चाहती है, जनता को बहुत सारी समस्याओं को हमेशा फेस करना पड़ता है। मैम जी बिल्कुल ठीक है, और अगर ग्रामीण इलाकों की बात कर ली जाए तो ग्रामीण इलाकों का क्या हाल है वहां पर? ग्रामीण इलाकों में कुछ चीजें तो जैसे अभी राशन का वितरण है वो बराबर लोगों को मिल रहा है, सरकार की जो योजना चल रही है उसमें लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं सरकार की जो वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंच पाती। जी ठीक है मोहम्मद कमर और जितेंद्र, अब ये मेरा सवाल आप दोनों से ही है, जवाब एक एक करके दीजिएगा पहले, लेकिन सवाल सुन लीजिए। देखिए अब कोरोना का समय चल रहा है, अब चुनावी माहौल है, काम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारी होती है कि हर खबर को हमें जनता तक पहुंचाना है, क्या सच्चाई है, क्या उसकी सत्यता है, उसको दिखाना है, उसको उठाना है। तो ऐसे में इस कोरोना का समय है और ठंड भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस परिस्थिति में भी किस तरह से आप काम करते हैं, कितनी मुश्किलें आपको आती है, क्योंकि कोरोना का जब सेकेंड वेव थी, फर्स्ट वेव थी, तब भी मीडिया कर्मियों ने उसी तरह से काम किया था जैसे उससे पहले करते आते, चाहे वो अस्पतालों में जाकर कवरेज करना क्यों ना हो, या फिर कहीं पर कोरोना के जहां मामले मिल रहे हैं या टेस्टिंग हो रही वहां पर क्यों ना हो, तो किन परिस्थितियों में भी आप किस तरह से काम करते हैं, एक एक करके बताइएगा। पहले मोहम्मद कमर आप बताइए। जी पारुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से समाज में लोगों को एक मीडिया कर्मी से एक उम्मीद होती है, उनसे एक आशा की किरण बनी रहती है कि हमारे समाज में जो भी समस्याएं व्याप्त है या हमारे हमारी जो भी समस्याएं मीडिया के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से शासन प्रशासन या सरकार तक हमारी बातों को ये मीडिया कर्मी पहुंचाएंगे, तो मीडिया कर्मी के अंदर भी एक जुनून, एक पैशन होता है कि हम समाज में हो रही घटनाओं को, समाज में व्याप्त समस्याओं को जनता और सरकार प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे के ऊपर होती है, इसलिए हम लोग भी अपना बचाव करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, हम लोगों को भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही अच्छे ढंग से करना पड़ता है और करते हैं, क्योंकि हम लोगों का दायित्व तो होता है समाज में व्याप्त समस्याओं को, समाज में हो रही घटनाओं को सरकार प्रशासन तक पहुंचाएं। जी ठीक है जितेंद्र, अब आप बताइए।
बिल्कुल देखिए, अगर सर्दी की बात की जाए या कोरोना वायरस की बात की जाए तो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम इन्फेक्टेड होंगे तो हम अपनी फैमिली को इन्फेक्टेड कर देंगे, क्योंकि हम रोज इन चीज़ों में ही घूमते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं, और ख़ासतौर पर अगर बारिश है या ठंड है तो वो कोई खास वजह नहीं होती है कि हम कहीं नहा जा पाएँ, ये कोई वजह नहीं है। लेकिन कोरोना को लेकर हम काफ़ी सेफ्टी बरतते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमको अगर आती है तो वहाँ आती है कि जब हम किसी खबर के लिए पहुँचते हैं और वहाँ पर जब देखते हैं कि लोग खुद कोरोना सेफ्टी को लेकर जो है पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक सवाल ये आता है कि हम लोगों को इतना जागरूक करते हैं, उसके बावजूद अगर ये नहीं लगा रहे हैं तो ये क्यों सोचते हैं कि सिर्फ मैं ही खतरे में हूँ। उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मेरा जो पूरा परिवार है, मेरी एक लापरवाही की वजह से मेरा पूरा परिवार इन्फेक्टेड हो सकता है। क्योंकि अगर आप बाहर मास्क लगा रहे हैं तो आप बचे हुए हैं, आप बाई चांस अपने घर पर बाहर मास्क नहीं लगाया, आप घर जा रहे हैं तो घर पर तो कोई मास्क लगाएगा नहीं, अंदर तो वहाँ जो है वो सब लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और गाजियाबाद NCR में ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार अगर कोई इन्फेक्टेड निकलता है फिर जब जांच होती है पूरे परिवार की तो लगभग पूरा परिवार जो है वो कोरोना इन्फेक्टेड होता है। ऐसे हमने बहुत से केस देखे हैं, चाहे गाजियाबाद का रिपब्लिक क्रॉसिंग हो या गाजियाबाद का इंदिरापुरम हो, वहाँ हमने देखा की पूरी फैमिली जो है कोरोना से जो है मर गई है, लेकिन उनके बच्चे जो अनाथ हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी ये सवाल रहता है, इसीलिए हम हमेशा अपने सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर ध्यान देते हैं कि भले ही हमें थोड़ा ज्यादा जाना पड़े, भले ही थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़े, लेकिन हम इस बात को ठान कर रहते हैं कि हम खुद इंफेक्टेड नहीं होंगे, ना ही अपने जरिए किसी को इंफेक्टेड होने देंगे। जी जी बिल्कुल जितेंद्र और मोहम्मद कमर, इसीलिए मैं भी आपसे यही अपील करती हूँ कि आप बाहर निकलते हैं, फील्ड पर मौजूद रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी जागरूक करिए कि वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ जब भी आप कवरेज के लिए बाहर निकले या फिर किसी भी काम के लिए, अपने निजी काम के लिए जाएं, तो मास्क जरूर लगाएं। जितेंद्र आपने तो लगा भी रखा है मास्क, और हर रोजाना हम देखते हैं कि आप जब भी रिपोर्टिंग करते हैं, लाइव देते हैं, तो आप मास्क पहनकर ही देते हैं, लेकिन साथ साथ अपने परिवार का और अपना भी बहुत ख्याल रखिए, लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि देखिए इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरत है जितेंद्र और मोहम्मद कमर लोगों को जागरूक करने की ही है, क्योंकि लोगों में लापरवाही हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, और आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि मार्केटों में किस तरह से भीड़ लगी होती है, कोरोना के मामले भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही जो है वो बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। तो आप भी बहुत ज्यादा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना और अपने परिवार का दोनों ही बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। जितेंद्र आपका, मोहम्मद कमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। साथ ही आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से बताया कि प्रयागराज और गाजियाबाद में किस तरह की समस्याएं हैं, लोगों के मन में क्या है, कोरोना को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस है, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयार है और अलर्ट है। इसी तरह से हर रोजाना हम अपने तमाम संवाददाताओं को यहां पर जोड़ते हैं ताकि उनके जिले में क्या बड़ी हलचल चल रही है ये आप तक पहुंचाया जा सके। और कल फिर मुलाकात होगी किसी और जिलों के संवाददाताओं के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।